आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज पूरे दिन भर में हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। मरकुस 11:24 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वह हो जाएगा। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उसका वचन कहता है कि तुम जब मांगते हो तो उस बात के लिए विश्वास कर लो कि ये मेरे लिए पूरा हो गया है। तो सच में हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और वो हमारे जब हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता सच में मेरे प्रभु हमारे जीवन से तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ हो प्रभु, क्योंकि आदर महिमा के योग्य परमेश्वर आप हैं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि सच में आप पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आपने परमेश्वर हमसे प्रेम किया, अगापे प्रेम किया प्रभु। उस अगापे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दयालु हैं परमेश्वर और सच्चाई के परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही मार्ग और सत्य और जीवन हैं परमेश्वर। आप ही हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही परमेश्वर अल्फा ओमेगा हैं पिता परमेश्वर। आप आदि और अंत हैं प्रभु जी। हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं। सच में प्रभु हम घटे और तू बड़े मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज दिन भर में संभाल के परमेश्वर आपने आज की शाम को हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद के जीवितों की पृथ्वी में प्रभु हमें जीवित रखा प्रभु। न जाने कितने लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने आज की शाम को नहीं देखा प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय आपने हमारे जीवनों में दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी। पिता आपसे दुआ है प्रभु जी कि आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं आपसे प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा कलेश जिनके घरों में है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो शैतान उनके जीवनों कलेश को, गड़बड़ियों को प्रभु, अशांति को प्रभु जी लाता है परमेश्वर पिता, हम डांट कर उनके जीवन से उन सारी गलत बातों को दूर करते हैं मेरे प्रभु जी। और आपसे मांगते हैं प्रार्थना में प्रभु कि उस घर में प्रभु आप सुख शांति और प्रभु जी अपना प्रेम आनंद दे दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। हमने प्रतीति कर लिया है प्रभु कि जो हमने मांगा है परमेश्वर आपने हमें दे दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु बहुत फोन से बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आजकल के प्रभु उन नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु, छोटे छोटे बच्चों के लिए कि प्रभु जो फ़ोन से प्रभु बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं प्रभु जी, और प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु वो उन सारी चीज़ों में लिप्त हैं परमेश्वर पिता। शैतान जो इनके जीवनों में ऐसे कार्य करता है प्रभु पिता, ये सारी बातें उनके जीवनों से कैंसल आउट करते हैं प्रभु जी। आप इन सारे एडिक्शन से प्रभु आप उन्हें बाहर निकाले प्रभु जी, और पिता अच्छी संगति देकर प्रभु पिता उन्हें आप सुधारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवनों को आप बदले मेरे प्रभु पिता, क्योंकि प्रभु इन सारी गलत बातों में पढ़कर परमेश्वर वो संसार में अपने माता पिता, अपने भाई बहन से दूर होकर उस फोन को ज्यादा महत्व देने लगे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु जी कि ये एडिक्शन को प्रभु उनके जीवन से आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए मेरे पिता जिनके प्रभु ऑपरेशंस होने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु डॉक्टर्स प्रभु जी ऑपरेट उन्हें करने जा रहे हैं पिता। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन प्रभु जो डॉक्टरों के थ्रू होने जा रहा है परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कोई भी गड़बड़ी प्रभु वहां पर ना आने पाए प्रभु जी, वरन प्रभु आप डॉक्टरों के हाथों को भी ब्लेस करें प्रभु कि ऑपरेशन प्रभु सक्सेसफुल होने पाए प्यारे खुदावन, और प्रभु वो प्रभु उन सारी बीमारियों से निकल कर प्रभु पूर्णतः चंगा
चंगाई पाएं। प्यारे खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस किसी का भी परमेश्वर पथरी का ऑपरेशन है प्रभु, अल्सर का है प्रभु जी, और प्रभु किडनी में है परमेश्वर पिता प्रभु, जो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है पिता, आप प्रभु उसे सक्सेसफुल करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया। हमने प्रतीति कर लिया प्रभु कि आपने उन्हें पूर्ण रीति से चंगा कर दिया प्रभु जी। पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो मेंटली प्रभु डिस्टर्ब है मेरे पिता परमेश्वर। पिता, हम उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आप प्रभु जी उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए परमेश्वर, उनके प्रभु इन सारी मेंटली बातों को प्रभु उनके जीवन से दूर करें प्रभु, हटा दीजिए परमेश्वर पिता। हम मांगते हैं प्रभु उनके लिए प्रभु कि वो सेंस में आए परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभु अपने माइंड में उनका कंट्रोल होने पाए प्रभु जी। आपके पूर्णतः कंट्रोल को हम उन बच्चों के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु उन सारी बातों से प्रभु, उस मेंटली प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाल के पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी रिकवर करें पिता परमेश्वर, फिर से उन्हें एक नया बनाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं और ये प्रतीति करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु इन सारी गलत बातों से उन्हें निकाल दिया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक कैंसर के रोगी के लिए प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर है पिता, उन लोगों के लिए तुझसे दुआ करते हैं मेरे पिता कि प्रभु हर एक कैंसर प्रभु, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे प्रभु जी वो स्टमक कैंसर है प्रभु, चाहे वो प्रभु सर का कैंसर है पिता परमेश्वर, किसी आईज का कैंसर है प्रभु पिता, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो हील हो जाए प्रभु। आपके कोड़े खाने से वो हर एक कैंसर चला गया है, हर एक बीमारी चली गई है यीशु के नाम से प्रभु। वो कैंसर, वो घाव आप भर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं और ये प्रतीति करते हैं कि हर एक कैंसर यीशु के नाम से ठीक हो गया है परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो अपने कानों से सुनते नहीं हैं परमेश्वर पिता, और अपनी आंखों से देखते नहीं हैं प्रभु, और अपनी जीभ से बोलते नहीं हैं परमेश्वर पिता। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर उनके कानों को, उनकी आंखों को और उनकी जीभ को छू लीजिए प्रभु, और उन्हें बोलने में, देखने में और सुनने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। हम इन सारी बातों के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए प्रतीति करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु जो सुन नहीं सकते उनके कानों को खोल दिया है प्रभु, जो देख नहीं सकते उनकी आंखों को प्रभु आपने खोल दिया है परमेश्वर, जो बोल नहीं सकते प्रभु आपने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रतीति करते हैं कि आपने ये सब कुछ हमारे जो हमने प्रार्थना में मांगा वो पूरा कर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु जिनके प्रभु कोर्ट में केसेस चल रहे हैं प्रभु, और पिता न जाने किस किस प्रकार का केस उनके जीवन में चल रहा है, किडनी का प्रभु जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहे हैं परमेश्वर, और किसी भी प्रभु व्यर्थ गलत आरोप के लिए केसेस चल रहे हैं परमेश्वर पिता। आप उनकी सुधि लें प्रभु, आप उनकी तरफ दृष्टि करें प्रभु, उनकी परेशानियों में उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, और इन सब गलत बातों से, इन सारी परेशानियों से मेरे यीशु आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, उन्हें आजाद करें परमेश्वर, और फिर से परमेश्वर इंटेंशन से बाहर निकाल कर फिर से प्रभु उनके जीवन को बढ़ाएं प्रभु पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु बहुत टेंशन इन केसेस के पीछे देखा है प्रभु, उनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना में ये विश्वास, ये प्रतीति करते हैं कि हमने प्रभु जिनके लिए मांगा है प्रभु, आपने पूरा कर दिया है यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जिनके जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं पिता, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने उन बहनों के जीवन में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को दे दिया, एक राइट लाइफ पार्टनर को दे दिया प्रभु। उनका जो वो वेट कर रहे हैं प्रभु, वो वेट करने का प्रभु प्रतिफल आपने उन्हें दे दिया है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए पूरा हो गया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रभु जो अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो अपनी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु, किसी प्रकार की जॉब के लिए वेट कर रहे हैं परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आपने उनके जॉब के रास्तों को खोल दिया है परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन्हें अच्छे
अच्छी अच्छी जॉबों को दिया है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, और हम इस बात के लिए प्रतीति करते हैं कि आपने बेस्ट जॉब प्रभु उन्हें दे दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सारे बुजुर्गों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जिनको प्रभु जॉइंट्स पेन है प्रभु, हड्डियों का दर्द जिन्हें है प्रभु, आप प्रभु जी उन्हें छू लीजिए और चंगा करें प्रभु जी। हर एक जॉइंट्स पेन यीशु नासरी के नाम से चला जाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रतीति कर लिया कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, आपने हड्डियों को हील कर दिया है परमेश्वर, उनके हर एक पेन को दूर कर दिया है परमेश्वर पिता। हर एक अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। हर एक गठिये की बीमारी, हर एक जो गठिया होता है परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं, वो उससे भी आप लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर पिता। आप प्रभु परमेश्वर लकवे के रोग से परमेश्वर लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही है प्रभु, और पिता वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते परमेश्वर। होने दे, अपने विश्वास को दीजिए, उनके रिलेशनशिप को आप बचाइए परमेश्वर, और पति पत्नी को एक करें परमेश्वर पिता, और उनकी हर एक गड़बड़ियां यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, जिन्हें आपने जोड़ा प्रभु, उसे कोई भी ना तोड़े मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रतीति करते हैं कि आपने हर एक रिलेशनशिप को बचा लिया है पिता परमेश्वर, आपने उन्हें जोड़ दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने भी बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, जितने भी स्टडीज कर रहे हैं परमेश्वर पिता, और अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, कि वो स्टडीज अच्छे से कर सके, अपने एग्जाम अच्छे से देख सके परमेश्वर। आप अपनी बुद्धि और समझ और ज्ञान उन्हें प्रभु दे मेरे प्रभु जी। पिता हम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज पूरे दिन पर बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे, उनके जीवन में बहुत सारी टेम्पटेशंस परेशानियां आई हैं प्रभु पिता, आप उन्हें अपनी असीम शांति से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु इन सारी प्रार्थनाओं को पिता हम आपके समीप लाते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। इसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दे दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए पूरा हो गया है। धन्यवाद प्रभु, इन सारी प्रार्थना को जो हमने आपसे मांगा वो आपने पूरा कर दिया है पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।